हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मास्टरमाइंड क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी आपको एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। कहाँ से निकल कर है? तो यूपीएसएससी से आपको, जो कि क्या था कि 2016 में एक आपको रिक्रूटमेंट निकली हुई थी। क्या रिक्रूटमेंट निकली हुई थी? तो कमर्शियल असिस्टेंट, कमर्शियल आर्टिस्ट एंड कमर्शियल ग्राफिक पोस्ट के लिए, जो कि कहाँ पे निकली हुई थी? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर, कानपुर में आपको एक पोस्ट निकली हुई थी और जिसको क्या किया है, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। चलिए यहाँ पे आपको देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपको नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे हमने आपको जूम आउट कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को ही आपको पब्लिश किया है, बोल रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 18/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन के अंतर्गत निदेशालय संशोधन विभाग प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस कानपुर के निर्देश नियंत्रणाधीन विज्ञापन कमर्शियल आर्टिस्ट के एक पद, आर्टिस्ट ग्राफिक के एक पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कब किए गए थे? 2016 में किया गया था। ओके, और उपरोक्त के क्रम याचनाकृत विज्ञापन द्वारा अपने पत्र संख्या 565/66 याचिका नंबर 2015, यानी 2015 से यह प्रोसेस चल रहा है, दिनांक 14 जनवरी 2023 के माध्यम से अंकन विज्ञापन पद के आवश्यकता न होने की दशा में चयन की कार्रवाई निरस्त करते हुए पूर्व में प्रेषित अधियाचना को वापस करने के लिए अनुरोध किया है। अधियाचन विभाग के अनुरोध के क्रम में आयोग द्वारा उक्त पदों का अधियाचन वापस करते हुए चयन प्रक्रिया निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। ससुरा, 2016 से जब तुमको पोस्ट की रिक्वायरमेंट न थी, 2016 से 2023 तक आपको 7 साल रखने का क्या जरूरत है? यहाँ पे लटका कर रखे हो आप, बोल रहे हो कि आपको वैकेंसी कैंसिल हो गया। वही हुआ ये जिस जो एक बार हुआ था आपको डीआरडीओ में एमटीएस की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी 2020 में, और आपको 2022 में 2 साल के बाद में बोला है कि आपको यह आपको वैकेंसी ही रद्द हो गया। यदि कोई क्यूरी हो तो आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर सकते हो या आपको फ़ोन भी कर सकते हो। ओके बाय, फिर मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे।